में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और बारिश के चलते शहर में आधे से ज्यादा मकान गिर गए हैं। जगदलपुर में 6 लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिल रही है। अनुकूल देव वार्ड में देर रात हुए तेज बारिश के चलते पक्के मकान की दीवार गिर गई। कमरे में सो रही एक बुजुर्ग महिला की दीवार में दबने के चलते मौत हो गई। घटना के वक्त घर में एक बच्चा समेत 3 लोग मौजूद थे। तो यही बस्तर RCM ने बारिश के चलते 7 मकान गिरने की आधिकारिक पुष्टि भी की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने बस्तर डिवीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और बस्तर के क्षेत्रों में आज अति बारिश की चेतावनी दी गई है। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या स्थिति? देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले से हल्की जो बारिश हो रही थी, जिससे जो घर होते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं, वो सीसते हैं और सीसने के कारण ही इस तरीके की स्थिति आती है। और 24 घंटे से जो मूसलाधार बारिश हो रही है आंधी तूफान के साथ, जिसके कारण लगभग 7 घर टूटे हैं। यहाँ पर 7 घर की दीवार गिर गई है और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हैं यहाँ पर। देखिए, बीती रात जो जिस तरीके से बारिश हो रही थी, घर में लोग सोए हुए थे और उसी वक्त जो दीवार है वो गिर गई, गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। और इस मामले पे जब हमने SDM से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 50 सालों की रिकॉर्ड यहाँ पर टूटी है, जो बारिश की स्थिति यहाँ पर बन आई है। शहर में अफरा तफरी मच चुका है, यहाँ पर लगातार लोग रोड पे आ रहे हैं, घर को छोड़ के किसी घर के अंदर बारिश के पानी जो घुस गया है और रोड भी बारिश हो गई है यहाँ पर। तो जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ में जो जिनकी मौत हुई है घर गिरने से, उनकी राहत के लिए 4 लाख रुपए देने की भी बात यहाँ पर SDM द्वारा कही गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो बारिश है यहाँ पर वो अपना जो प्रकोप वो दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि बारिश तो यहाँ बस्तर में बंद हो चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसमें जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही रायपुर